रोहित शर्मा गौतम गंभीर की इन तीन गलतियों से बेंगलुरु में टीम इंडिया का हुआ बुरा हाल। कोच और कप्तान रोहित शर्मा की इन गलती से पहले टेस्ट में बैकफुट पर आई टीम इंडिया। मात्र 46 रनों पर ढेर होने के बाद न्यूजीलैंड ने पहले ही दिन कर दी टीम इंडिया पर चढ़ाई। करीब 4 साल बाद जब टीम इंडिया फिर से ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने वाली है, उससे ठीक पहले उसे वैसा ही दिन देखना पड़ा जो एडिलेड में तब दिखा था। दिसंबर 2022 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर एडिलेड टेस्ट में टीम इंडिया सिर्फ 36 रनों पर ढेर हो गई थी, जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में उसका सबसे छोटा स्कोर था। अभी एक महीने बाद टीम इंडिया को फिर ऑस्ट्रेलिया जाना है, लेकिन उससे पहले ही टीम इंडिया सिर्फ 40 रनों पर निपट गई। बस फर्क ये है कि इस बार ये हाल उसकी अपनी ही जमीन पर हुआ है, और वो भी न्यूजीलैंड की तेज गेंदबाजी के सामने। तब ऑस्ट्रेलिया की बेहतरीन गेंदबाजी इसकी वजह थी, इस बार भी न्यूजीलैंड की गेंदबाजी बेहतरीन रही, लेकिन इसकी कुछ वजह ही टीम इंडिया के खराब फैसले भी रहे, जो कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर पर सवाल खड़े करता है। तो चलिए आपको वो तीन गलतियां बताते हैं जो पहले टेस्ट में कप्तान और कोच से हो गई। पहली गलती, पहले बैटिंग चुनने का फैसला। बेंगलुरु में पहले दिन का खेल बारिश के कारण धुल गया तो उस तक नहीं हो पाया था। ऐसे में ज्यादातर समय पिच को कवर किया हुआ था, ऐसे में साफ था कि पिच पर नमी रही होगी। उस पर दूसरे दिन जब सुबह मैच जल्दी शुरू हुआ तो भी आसमान में बादल छाए रहे थे और अंधेरे की स्थिति बनी हुई थी। ये भी अनुमान पहले से ही था कि बीच में बारिश के कारण खेल रुक सकता है। यहाँ तक कि मैच की शुरुआत ही फ्लड लाइट्स जलाकर हुई, इतना कुछ सुबह से ही दिख रहा था। लेकिन उसके बाद भी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला क्यों किया? कोच और कप्तान ने मिलकर इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? क्या उन्हें जरा भी समझ में नहीं आया कि शुरुआती वक्त तेज गेंदबाजों के लिए मददगार साबित हो सकता है? और न्यूजीलैंड के पास तीन प्रमुख पेसर थी। दूसरी गलती, बड़े शॉट्स खेलने की गलती। अगर पहली गलती काफी नहीं थी, उसके बाद बल्लेबाजों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा ने इसकी शुरुआत की। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बनाया हुआ था और कई बार रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल के बल्ले को छकाया था, फिर भी किस्मत साथ दे रही थी और दोनों बच रहे थे। ऐसे में जरूरत थी कि जब तक गेंदबाजों को मदद मिल रही है तब तक टिक कर खेला जाए, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने सीधे अनुभवी पेसर टिम साउदी के खिलाफ आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन वह बोल्ड हो गई। फिर सरफराज खान भी तीसरी गेंद पर हवा में शॉट उड़ाने की कोशिश में विकेट दे बैठे। विराट कोहली को कैची गेंद मिली, लेकिन उनकी हर बार फ्रंट फुट पर रहने की आदत के कारण वो इससे बच नहीं सके। वहीं केएल राहुल भी लेग स्टंप की गेंद को सही से फ्लिक नहीं कर सके और विकेट दे बैठे। तीसरी गलती, बैटिंग ऑर्डर में गलतियां। टीम इंडिया को और भी ज्यादा मुश्किल में डाला बैटिंग ऑर्डर में लिए गए फैसलों ने। शुभमन की गर्दन के दर्द के कारण इस मैच में नहीं उतर पाए, जिसके चलते टीम इंडिया को तीसरे नंबर पर किसी अन्य बल्लेबाज को उतारना था और यही टीम मैनेजमेंट ने गलती कर दी। रोहित के आउट होने के बाद तीसरे नंबर पर विराट कोहली को भेज दिया, जबकि उन्होंने आखिरी बार 8 साल पहले इस पोजीशन पर बल्लेबाजी की थी। तीसरे नंबर पर उनका रिकॉर्ड पहले से ही खराब था और वो हाल के वक्त में अच्छी फॉर्म में नहीं थे। ये फैसला इसलिए चौंकाने वाला था क्योंकि टीम के पास केएल राहुल जैसा बल्लेबाज भी है, उन्होंने करियर में ज्यादातर वक्त ओपनिंग की है और ऐसे में वो तीसरे नंबर पर नई गेंद का सामना कर सकते थे। अगर ये गलती कम नहीं थी तो विराट कोहली के आउट होने के बाद भी राहुल या पंत को भेजने के बजाय अनुभवहीन बल्लेबाज सरफराज खान को प्रमोट कर चौथे नंबर पर भेजा और वो भी 0 रन बनाकर चलते बने। बताते चले कि बेंगलुरु में गुरुवार 17 अक्टूबर की सुबह जो हुआ उसे भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के हाथों पहली पारी में ऐसी जिल्लत झेलनी पड़ी जिसका जरा भी अंदाजा शायद ही कभी किसी ने लगाया होगा। पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन टीम इंडिया पहली पारी में सिर्फ 46 रनों पर ढेर हो गई। उसके बल्लेबाजों ने पूरी तरह सरेंडर कर दिया। टीम इंडिया की इस हालत के लिए अब खुद कप्तान रोहित शर्मा ने जिम्मेदारी ली है और माना है कि उनका यह फैसला गलत साबित हुआ है। दिन का खेल खत्म होने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने मान लिया कि उन्होंने पिच को समझने में गलती की, जिसके कारण टीम इंडिया का ये हाल हुआ है। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।